राधा की नगरी बरसाना में मंगलवार को एक बार फिर द्वापर कालीन लीला जीवंत हो उठी। भगवान श्री कृष्ण दूल्हा बन रथ पर सवार होकर निकले, वहीं बैंड बाजों की धुन पर श्रद्धालु थिरकते हुए चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की बारात बरसाना में भ्रमण करने के बाद ललिता सखी के गांव ऊंचा गांव पहुंची, जहां बारात का भव्य स्वागत किया गया। आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी का विवाह कराया था। इस दौरान ब्रह्मा जी ने पिता की भूमिका निभाते हुए राधा रानी का कन्यादान भी किया था। उक्त लीला का उल्लेख गर्ग संहिता तथा ब्रह्म वैवत पुराण में मिलता है। इसी लीला को एक बार फिर से जीवंत करने के लिए श्रद्धालु ने दिव्य मंगल परिणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। मंगलवार को कस्बे के पीली कोठी तिराहे से रथ पर सवार होकर दूल्हा बने कृष्ण स्वरूप को बैंड बाजों के साथ निकाला गया। इस दौरान बारात में शामिल हुए नंदगांव के लोग तथा श्रद्धालु नाचते गाते चल रहे थे। बारात पुराना अड्डा होते हुए मुख्य बाजार, सुदामा चौक, राधा बाग होते हुए ऊंचा गांव दाऊजी मंदिर पहुंची, जहाँ ललिता सखी के गाँव ऊंचा गाँव में बारात का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ राधा कृष्ण का विवाह कराया गया। श्रद्धालु आनंदित हो उठे। राधा कृष्ण के जयकारों से पूरा ऊंचा गांव गूंज उठा। महिलाएं युगल सरकार के मंगल गीत गा रही थीं। ब्रजाचार्य पीठ के प्रवक्ता घनश्याम राज भट्ट ने बताया कि द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। आज ऊंचा गांव पुनः एक बार फिर विवाह लीला जीवंत हुई। प्रतिवर्ष होता ही है भादो में बामन द्वादशी के दिन, पर ये अब की बार जो हो रहा है एक भक्त की इच्छा पे, क्यों प्रभु भक्त के अधीन है। भक्ति ये ब्यावला उत्सव है, ना कि ब्यावला उत्सव, जैसे कि हम अपने जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, इस प्रकार ये हमारी प्रिया प्रीतम के ब्याह का उत्सव है। ये जो राधा कृष्ण का विवाह हो रहा है, इसका कोई कहीं प्रमाण मिलता है या राधा कृष्ण का विवाह कभी हुआ है? बिल्कुल प्रामाणिक है, गर्ग संहिता में श्री गर्गाचार्य द्वारा उसमें लिखा है, गर्ग संहिता में, कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा राधा कृष्ण दोनों का विवाह विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया गया। यद्यपि रसिकों का मानना है कि कृष्ण रूप श्री राधिका, राधा रूप श्री श्याम दर्शन को ये दो हैं, लेकिन हैं एक ही अविराम, वस्तुतः एक ही है। केवल रसिकों को, संतों को, भक्तों को आनंद देने के लिए इनके रोज उत्सव होते हैं, नित्य उत्सव होते हैं, और ये प्रामाणिक है राधा कृष्ण का विवाह। ऐसा नहीं कि कोई अप्रामाणिक है, प्रामाणिक है, और भी कई ग्रंथों में है, लेकिन मूल रूप से ये मान लो कोई पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, गर्ग संहिता छोटा ग्रंथ है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है राधा कृष्ण का विवाह, उसमें कहीं भी आप दे सकते हैं। आज की जो तैयारी